औरंगाबाद के जसुईया के पास लगे सीमेंट प्लांट की फैक्ट्री से प्रदूषण के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी हकीकत जानने के लिए जब नेशन 24 के रिपोर्टर संबंधित गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने इस प्लांट के बारे में बताया तो मैं भी दंग रह गया। इस गांव के लोग गर्मी के मौसम में भी अपने घर से बाहर या छत पर नहीं सो पाते हैं, क्योंकि प्लांट के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है इसकी वजह से लोग घर में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं लोगों से पूछने पर पता चला कि प्रदूषण के कारण अक्सर बच्चों को बीमारी भी हो रही है। लोग दमा और ट्यूबरक्लोसिस जैसे बीमार से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि न यहाँ कोई नेता आता है, न प्रशासन यहाँ कोई मदद कर रही है। साथ ही ग्रामीणों ने एक ठोस कदम उठाते हुए प्रदूषण से बचाने की आग्रह और गुहार की है। साथ ही इस प्रदूषण के कारण प्लांट से शहर के पेयजल पर भी गहरा संकट आ गया है। अगर इसी प्रकार का हरकत रहा तो शहरवासियों को शहर से पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। समय रहते अगर इस पर विचार नहीं किया गया, इसका परिणाम काफी भयावह हो सकता है। कष्ट से निश्चित रूप से इनका जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इससे निजात पाने का अगर संभव हो कोई तरीका तो उसको अपनाया जाना चाहिए और इनके कल्याण के बारे में भी विचार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में खेती बाड़ी भी देखने और समझने का विषय है कि जो पैदावार का पहले दर था उससे बहुत काफ़ी हरासमेंट हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रभावित है गर्मी के दिनों में यहाँ का भू जल स्तर का हरासमेंट होना, जिससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 5-6 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा पौधा लगना चाहिए था। क्या पौधा लगा है या नहीं लगा है? नहीं लगा है। नहीं लगा है सर, बहुत ज़्यादा परेशानी सर हम लोग का है। पानी जैसे कि हम लोग को मिल नहीं रहा है और पानी के चलते और धूल के चलते इतना हम लोग परेशानी है कि पहले हम लोग 70-80 फीट बोरिंग करके गुजारा करते थे और 150 फीट भी कर रहे हैं ना, तो इसके चलते हम लोग को पानी भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। प्लांट में लमसम 25 बोरिंग है सर, इसमें सर 5 HP का सब मोटर डाला हुआ है। कम से कम 1-1.5 लाख गैलन से कम ना होगा सर। सीमेंट प्लांट द्वारा जो प्रदूषण छोड़ा जा रहा है जो जनहित के लिए काफ़ी हानिकारक है, बीमारी का शिकार हो रहे हैं बच्चे और जैसा कि अभी बताया गया कि जल का दोहन भी हो रहा है। लेकिन हमारा मुद्दा जो है, हमारी लड़ाई प्लांट से प्रबंधन से प्रदूषण को लेकर है। इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। मैं अक्सर नज़र बनाए रखता हूँ इस प्लांट पे, कब डस्ट निकल रहा है, कब रोक कर रखा गया है। और जब शुरुआत किया था मैंने मार्च महीना में इस खिलाफ़ प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाया था, तो हमें आश्वासन दिया गया था 14 जून को कि 2 महीना का समय लगेगा, हम प्रदूषण पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेंगे। हमने 2 महीना का इंतज़ार किया 14 अगस्त के बाद और आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि प्रदूषण दिन के बजाय अब रात में डस्ट धूल धुआं जो छोड़ा जाता है। सबसे मुख्य चीज़ एक और है जिसको मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने पढ़ा इसके बारे में कि एक सीमेंट प्लांट को सीमेंट बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो तब मैंने पाया कि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कम से कम विभिन्न प्रकार के संयंत्र जो लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के संयंत्र जो लगते हैं, उसमें 100 लीटर से लेकर 200 लीटर तक का पानी का कंजम्पशन होता है। और जहाँ तक हमें जानकारी मिली, इस प्लांट की कैपेसिटी जो है, इस प्लांट की कैपेसिटी 4.5 लाख टन से लेकर 5 लाख टन तक की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन लाखों लाख लीटर ये पानी का दोहन कर रहे हैं, वो भी भूगर्भ जल का दोहन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। कैसे इनको परमिशन मिला है, किससे इनको परमिशन मिला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ के प्रतिनिधियों पर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अपने आसपास के औरंगाबाद के और इस प्लांट के आसपास के जनता को कैसे बीमारियों के बीच में ढकेल रहे हैं।